हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्पाइरल बलून पिलर्स पे कि इनको बनाते कैसे हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। और यदि आप इस टाइप के स्पाइरल पिलर्स बनाएंगे तो आपका ये डेकोरेशन बिल्कुल प्रोफेशनल डेकोरेशन लगेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पिलर, जिसके लिए मुझे सिल्वर बलून्स चाहिए 16, ब्लैक 16 और गोल्डन चाहिए 32। टोटल 64 बलून हम फुलाएंगे और 32 के एक एक पिलर बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने दो हार्ट शेप के फॉयल बलून्स लेके रखे हैं, इसको भी हम फुलाएंगे और पिलर के ऊपर लगाएंगे। चार बलून का एक बंच बनेगा और एक पिलर में 8 बंच आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सिल्वर 16, ब्लैक 16 और एक गोल्डन 32 लेके रखे हैं। तो जो हमारा एक बंच बनेगा उसमें 2 गोल्डन, 1 सिल्वर और 1 ब्लैक आएगा। आप बलून को पंप की सहायता से भी फुला सकते हैं, ये पंप है, इससे भी आप फुला सकते हैं, ये देखिए। मगर इससे मुझे लग जाएगा थोड़ा टाइम, इसलिए मैं यूज करूंगा मशीन। ये जो मेरे बलून्स हैं ये 9 इंच के हैं और हम इनको 8 इंच तक फुलाएंगे। तो ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है बलून मेजर करने का, तो यहाँ पे मैं इसको लगाता हूँ 0 पे और इसको मैं लगाता हूँ 8 पे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो, मैंने ये खुद बना लिया है। अगर आप छोटे बड़े भी फुलाएंगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पिलर बनने के बाद अच्छे ही लगते हैं। बलून्स बांधने के लिए इनको क्रॉस में रखें और अब आपको ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने बलून क्रॉस में रखे। अब आप इनको ऐसे घुमा के यहाँ पे बस सिंपली एक नॉट बांध दीजिए। ऐसे बन जाते हैं हमारे बलून्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें इसके टोटल 16 बंच बनाने हैं, चार चार बैलून के। तो बंच कैसे बनाने हैं, 2 गोल्डन, 1 ब्लैक, 1 सिल्वर है, इसमें हम ऐसे इंसर्ट करेंगे और ये वाला जो गोल्डन है इसको आप यहाँ पे लाके यहाँ छोड़ देंगे, बस ये हमारा बन गया एक। अब हमें याद ये रखना है कि हमारे जो गोल्डन बलून से उनके क्लॉकवाइज रोटेशन में ब्लैक आता है। अगर यहाँ पे आप सिल्वर रख देंगे तो आपका जो स्पाइरल पिलर है वो बिगड़ जाएगा, तो हमें गोल्डन के बगल में ब्लैक ही रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बलून से ही बलून को हम बांधेंगे। यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार का कोई धागा या फिर इसको टाई करने के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बलून से ही इनको बांध रहा हूँ। तो क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको ये पकड़ लिया और एक मैंने यहाँ से इसको पकड़ लिया। अब मैं इन दोनों को बांध दूंगा, ये देखिए, ये इन दोनों को मैंने बांध दिया। ये देखिए, ये मेरा एक बंच नीचे है, एक बंच मेरा ऊपर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे घुमा के इस पर रख दूंगा। ऐसे हम बंच बंच बनाते जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसको भी ऐसे अटैच कर दिया है। मैं सारे बलून्स फुला लेता हूं, उनको ऐसे बंच बना लेता हूं, फिर हम करते हैं इनको अटैच। तो यहाँ पर मैंने पूरे 64 बलून्स फुला लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पिलर बनाना। हमने क्या किया था, गोल्डन के बगल में ब्लैक रखा था, तो हम वैसे ही रखेंगे। देखिए, अब अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो ये गलत है, मेरे गोल्डन के बगल में ही ब्लैक आना चाहिए क्लॉकवाइज। अब ये हो गया, अब हम इसको बांध देते हैं आपस में। आपको दिख रहा है मेरा स्पाइरल, अब ये ब्लैक वाला मैंने वैसे ही ट्विस्ट करके लगाते जा रहा हूँ। तो अब ये देखिए, सिल्वर आ गया और यहाँ पे गोल्डन और यहाँ पे ऑटोमेटिक गोल्डन आ गया। ये देखिए हमारा कितना अच्छा ये स्पाइरल पिलर बन चुका है। अगर आप ब्लैक देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा ब्लैक चल रहा है। फिर अगर आप सिल्वर देखेंगे तो ये पूरा सिल्वर का स्पाइरल है और एक गोल्डन का स्पाइरल है। अब ऐसे ही हम बना लेते हैं दूसरा भी।
तो देखा आपने, ये रेडी हो गया मेरा सेकंड पिलर। इसमें 32 बैलून्स है और इसमें 32 बैलून्स है, मगर अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। इसके ऊपर हमें हार्ट शेप का फॉयल बलून लगाना है, और आपको देखा ये ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे गिर सकते हैं ये, इसे गिर जाते हैं हवा से। इसके लिए हम यहाँ पर वेट देंगे पानी का, बलून में भरेंगे पानी और उसको लगाएंगे इसके नीचे, ताकि फिर ये हिलेंगे नहीं। कैसे लगाते हैं वेट, ये भी जरा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें पानी भर दिया, अब मैं जरा इसको बांध लेता हूँ। तो ये हमारा एक वेट रेडी हो गया, ऐसे ही हम एक और वेट बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिए दो बलून के वेट, ये हम लाएंगे पिलर के नीचे, जिससे हमारा पिलर नहीं हिलेगा। हमने लगा दिया इनमें बलून के वेट, अब हम लगाएंगे इसमें हार्ट शेप का फॉयल बलून। तो आपने देखा कितना अच्छा हमने बलून का डेकोरेशन किया है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। ये डेकोरेशन भी आप अपने घर पे खुद से कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।